अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद रवीज अजमल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज। टॉपिक्स ऑफ आवर लेक्चर आर माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। बाय द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न अबाउट माइक्रोस्कोपी, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड डिफरेंसेस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी टेक्निक of using microscope to view objects that cannot seen with naked eye is known as microscopy. यानी ऐसी टेक्निक जिसमें हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं टू व्यू ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई, इट इज नाउन एज माइक्रोस्कोपी। फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डिवेलप्ड बाय ज़ेचेरियस जेनसन हॉलैंड इन 1595। जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया था वो ज़ेचेरियस जेनसन ने हॉलैंड में 1595 में डेवलप किया। इट्स मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 3x टू 9x, और इसकी मैग्निफिकेशन रेंज कितनी थी? 3x टू 9x, यानी कि एक नॉर्मल साइज के इमेज को 3 टू 9 टाइम्स जो है ये इनलार्ज कर सकता था। देर आर टू टर्म्स टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्निफिकेशन, सेकेंड रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन से क्या मुराद है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अपेरेंट साइज को इंक्रीज करना या इनलार्ज करना क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल लाइट माइक्रोस्कोप लेंसेज यूजली एनलेबल्ड एज 20x, 50x और 100x। हमने अक्सर देखा कि जो लाइट माइक्रोस्कोप हैं उसके लेंसेज, जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर लेबलिंग की गई होती है विद डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन पार्स। या वो 20x से लेबल किए गए होंगे, या वो 50x से, या वो 100x से। सो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि वो एक नॉर्मल साइज के इमेज को 20 टाइम्स, 50 टाइम्स या 100 टाइम्स जो है वो इनलार्ज कर सकता है। सेकेंड है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। रेजोल्यूशन से क्या मुराद है कि जो माइक्रोस्कोप से हम इमेज ले रहे हैं वो हमें कितना क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है? या हम इसको सेकंड, अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। यानी ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या दो डिफरेंट पॉइंट्स को जो माइक्रोस्कोप का लेंस है वो इजीली डिस्टिंग्विश कर ले, सेपरेट कर दे, तो वो उसकी क्या कहलाता है? रेजोल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर एटलीस्ट 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। अगर हम ह्यूमन नेकेड आई की बात करें तो वो कितने डिस्टेंस पे दो डिफरेंट पॉइंट्स को वो सेपरेट कर सकती है? डिस्टेंस है 0.1 मिलीमीटर। यानी ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन पावर कितनी है? 0.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट हम कुछ डायग्राम्स की मदद से मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को समझते हैं। मैग्निफिकेशन, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो एक ओरिजिनल साइज का जो इमेज था में हमें जो वर्ड्स हैं वो इतने क्लियरली नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ किया इमेज जो है वो क्या हुआ? इनलार्ज हो गया। सो दिस इज मैग्निफिकेशन। एंड सेकेंड है रिजॉल्विंग पावर। हमने बात की कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं अगर कि डिफरेंट पॉइंट्स को वो इजीली सेपरेट कर दें तो वो उसकी क्या कहलाता है? रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन कहलाता है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो सबसे पहले जो इमेज है वो क्या है? पूर रेजोल्यूशन पे है। जब उसको रिजॉल्व किया गया लेंस की मदद से तो उसका फाइनल रेजोल्यूशन, उसकी नज़र आई जो हमें, वो क्या थी उस लेंस की? कि उसने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट इजीली सेपरेट कर दिया। सो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी रिजॉल्विंग पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना इमेज हमें क्लियर नज़र आएगा। अगर उस ऑब्जेक्टिव लेंस रिजॉल्विंग पावर वो कम है तो हमें ब्लर नज़र आएगा। नेक्स्ट है लाइट माइक्रोस्कोप।
लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट एंड मैग्नीफाइंग ग्लास लेंसेज। जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो विजिबल लाइट और मैग्नीफाइंग ग्लास लेंसेज की मदद से हमें इमेज है वो दिखाता है। अब इसका पर्पस क्या है? टू एग्जामिन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई। माइक्रोस्कोप है तो माइक्रोस्कोप में हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं हम अपनी ह्यूमन नेकेड आई से जिन्हें हम ना देख सकें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरियाज, पैरासाइट्स एंड अदर वराइटीज ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स सेल्स। माइक्रोग्राफ, माइक्रोग्राफ जो है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। माइक्रोग्राफ का मतलब क्या है? फोटोग्राफ टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। यानी वो पिक्चर्स या वो फोटोग्राफ जो कि माइक्रोस्कोप की मदद से ली जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफ कहते हैं। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स। इसका ऑकुलर लेंस है, नॉब है, आर्म, बेस, इल्यूमिनेटर, स्टेज, ऑब्जेक्टिव लेंस। सो हम इसको आगे इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं। पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आईपीस। आईपीस कंसिस्ट ऑफ अ लेंस दैट इज यूज टू ऑब्जर्व एन इमेज। आईपीस क्या है? जिसको हम ऑकुलर लेंस भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या है? कि जो ऑब्जर्वर है उसने अपने स्पेसिमन को ऑब्जर्व करना है तो वो आईपीस की मदद से ऑब्जर्व कर सकता है। सेकेंड है आर्म। आर्म कनेक्ट्स अ बॉडी ट्यूब टू द बेस। आर्म का फंक्शन क्या है? दिस इज माइक्रोस्कोप आर्म। अब इसका फंक्शन क्या है? ये कनेक्ट्स करता है किसको? बॉडी ट्यूब को। किसके साथ? बेस के साथ, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देन है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज विद देयर डिफरेंट मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। हमने बात की थी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह लेबलिंग होती है, उसकी मैग्निफिकेशन पावर से या उसकी रिजॉल्विंग पावर पर मेंशन होती हैं। सो ऑब्जेक्टिव लेंसेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। अब जो स्पेसिमन को देखना है वो कहाँ पर प्लेस होगा? इस स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली किसके फेस कर रहे हैं? टूवर्ड्स स्पेसिमन। ये क्या होते हैं? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होते हैं। सेकेंड, कलेक्ट द लाइट रेज फ्रॉम लाइट सोर्स। और इसका सेकेंड फंक्शन क्या है? इसका सेकेंड फंक्शन ये कि लाइट सो के विजिबल लाइट प्रोवाइड कर रहा है वो उसको, उससे लाइट सोर्स को कलेक्ट करना। नेक्स्ट है स्टेज। स्टेज ऑन विच द स्पेसिमन इज प्लेस्ड। जो स्पेसिमन जिसको हमने ऑब्जर्व करना है उसको हम स्पेसिमन कह रहे हैं। वो क्या होगा? उसको हम स्टेज के ऊपर प्लेस करवाएंगे और फिर ऑब्जेक्टिव लेंसेज की मदद से उसको हम उसको मैग्नीफाई करते हैं और ऑकुलर लेंस से उसको हम इजीली देख सकते हैं। इल्यूमिनेटर और लाइट सोर्स। इल्यूमिनेटर और लाइट सोर्स, दिस इज माइक्रोस्कोप इल्यूमिनेटर, जो कि प्रोवाइड क्या करता है? विजिबल लाइट को प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट्स को इल्यूमिनेट करती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की अगर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500x के। एक नॉर्मल साइज के इमेज को जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो 1500 टाइम वो इनलार्ज करके हमें दिखाती है। और इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है? 200 नैनोमीटर्स। माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अमीबा। अमीबा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दिस इज इट्स माइक्रोस्कोपिक व्यू। अब माइक्रोग्राफ भी कह सकते हैं क्योंकि हमने बात की कि माइक्रोग्राफ क्या है, कि वो इमेजेस या वो फोटोग्राफ्स जो कि हम माइक्रोस्कोप की मदद से लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर यूज्ड टू एनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑन टू अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इस्तेमाल होते हैं और उसका पर्पस क्या होता है? टू एनलार्ज और टू मैग्नीफाई और फिर इमेज को फोकस करवाना। किसके ऊपर? स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। अब इसकी वर्किंग की बात करें, स्पेसिमन एंड लेंसेज आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चेंबर एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास थ्रू द स्पेसिमन।
जो स्पेसिमन है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है वो और लेंसेज वैक्यूम चेंबर के अंदर प्लेस होंगे और फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवाई जाएगी थ्रू स्पेसिमन और इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंड इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द स्पेसिमन एंड मेक एन इमेज। अब इसकी वर्किंग बहुत ही सिंपल सी है। वर्किंग में क्या होता है कि जो स्पेसिमन है और लेंसेज उनको हम वैक्यूम चेंबर में प्लेस करवाते हैं फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाया जाता है थ्रू स्पेसिमन। इलेक्ट्रॉन हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करवा रहे हैं वो एक्चुअली क्या है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है जो स्पेसिमन को इल्यूमिनेट करवाते हैं और फिर क्या होता है जो इमेज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज वायरसेस सेल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेल्स मेटल्स एंड क्रिस्टल आर एग्जामिन्ड। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस को इंटरनल सेल स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूल्स को एंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि सेल की ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स गोल्जी अपरेटस वगैरह तो उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम देखते हैं एंड अदर मेटल्स एंड क्रिस्टल आर आल्सो बी एग्जामिन्ड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 250,000 टाइम्स। एक नॉर्मल साइज के इमेज को ये इतने टाइम्स जो है वो एनलार्ज कर सकता है एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 0.2 नैनोमीटर्स और रिजॉल्विंग पावर कितनी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.2 नैनोमीटर्स। लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज टू स्टडी लाइव प्रोसेसेस बिकॉज द स्पेसिमन मस्ट बी हेल्ड इन अ वैक्यूम चेंबर। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की लिमिटेशन क्या है वो ये इसको हम लाइव प्रोसेसेस की स्टडी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज जो स्पेसिमन है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है वो वैक्यूम चेंबर में उसको हम प्लेस करवाते हैं और वैक्यूम चेंबर हमें पता है कि क्या होता है जहाँ पे कोई भी एयर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती और जहाँ पे एयर या ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करती तो लाइव प्रोसेस का कैरी होना नामुमकिन है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बायोलॉजिस्ट यूजेस टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमन। टैम में क्या होता है टैम स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं थ्रू स्पेसिमन। जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सर्फेसिस और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल कोटेड सर्फेसिस से रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ पे फॉल करते हैं डिटेक्टर के ऊपर और फिर इमेज में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। इट इज यूज्ड टू स्टडी इंटरनल सेल स्ट्रक्चर टिश्यूज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। जो टैम है वो माइक्रोस्कोप इंटरनल सेल स्ट्रक्चर हैं अदर टिश्यूज हैं उनकी वर्किंग को कौन सी इस्तेमाल होती है माइक्रोस्कोप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज द TEMV ऑफ बैक्टीरिया इकोलाई। और अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो डिजाइन फॉर स्टडिंग द सर्फेसिस ऑफ सेल्स। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सर्फेसिस ऑफ सेल की स्टडी के लिए यूज होती है। दिस इज एन SEMV ऑफ मॉस्किटो हेड एंड इट्स आईज। नेक्स्ट हम मजीद एक एग्जांपल देख लेते हैं जो TEM और SEMV है पोलन का। TEMV ऑफ पोलन दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन TEMV की मदद से जो लिया गया है एंड सेकेंड है SEMV ऑफ पोलन और ये जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से लिया गया है। डिफरेंसेज बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू स्पेसिमन। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो वर्क किस प्रिंसिपल पे करती है कि उसमें विजिबल लाइट को पास करवाया जाता है थ्रू स्पेसिमन। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू स्पेसिमन। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है इलेक्ट्रॉन्स या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिमन से पास करवाए जाते हैं
सेकेंड है ग्लास लेंस आर यूज, लाइट माइक्रोस्कोप ग्लास लेंस वो इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज का इस्तेमाल होता है, इमेज को इनलार्ज करते हैं और फोकस करवाते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कितनी है? 1500x। इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल साइज के इमेज को ये इतने टाइम्स या इतने गुना जो है वो इंक्रीज कर सकती है, इनलार्ज कर सकती है। देन है मैग्नीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैग्नीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज 250,000 टाइम्स। रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 0.2 माइक्रोमीटर, जबकि रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो कितनी है? 0.2 नैनोमीटर्स। टू स्टडी लाइव प्रोसेसेस लाइट माइक्रोस्कोप इज यूज्ड। अब लाइव प्रोसेसेस की स्टडी के लिए जो बेटर है वो कौन सी माइक्रोस्कोप है? वो लाइट माइक्रोस्कोप है। बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्पेसिमन है जिसको हमने ऑब्जर्व करना है वो वैक्यूम चेंबर में प्लेस नहीं करवाया जाता, डायरेक्ट स्लाइड के ऊपर स्टेज के ऊपर सेट होता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईएम कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी लाइव प्रोसेसेस। बिकॉज किस वजह से? क्योंकि हम अपना स्पेसिमन उसको हम वैक्यूम चेंबर में प्लेस करवाते हैं। स्लाइड कंटेनिंग द स्पेसिमन इज प्लेस्ड ऑन द स्टेज। वही बात जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, जो स्लाइड जिसके ऊपर हम अपना स्पेसिमन रखते हैं वो स्टेज के ऊपर प्लेस्ड होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पेसिमन इज हेल्ड इन वैक्यूम चेंबर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो कहाँ पे स्पेसिमन को रखा जाता है? वैक्यूम चेंबर में। सो दीज आर ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है असेसमेंट हमारी टॉपिक की। हमने जो डिस्कस किया टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं जो कि एमसीक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं हम। फर्स्ट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डिवेलप्ड बाय ज़ेचेरियस जेनसन इन 1595। जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी वो ज़ेचेरियस जेनसन ने 1595 में डिवेलप की थी। देन है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन लाइट माइक्रोस्कोप इज विजिबल लाइट। जो इल्यूमिनेशन का सोर्स है लाइट माइक्रोस्कोप में वो क्या है? विजिबल लाइट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स अप टू 250,000 टाइम्स। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इलेक्ट्रॉन्स। इल्यूमिनेशन का सोर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट है। इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इन SEM इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सर्फेसिस। SEM में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल कोटेड सर्फेसिस से रिफ्लेक्ट करवाए जाते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500x, और मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की वो कितनी है? 1500x। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपी है, इसको भी हमने स्टडी किया कि देन डिफरेंस बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर में क्या डिफरेंस है? फिर है माइक्रोग्राफ, व्हाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी लाइव प्रोसेसेस, इसको भी हमने देखा। देन है डिफरेंशिएट बिटवीन SCM एंड TEM, इसको भी हमने स्टडी किया कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिफरेंसेस के और किन किन पर्पसेस के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इम्पॉर्टेंट पूरे लेसन में हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग क्वेश्चन सा है कि डिफरेंसेस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं लाइट माइक्रोस्कोप के और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इसको भी हमने टॉपिक की लास्ट जो स्लाइड थी उस पर कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी किया है कि लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर। Hopefully you can easily understand. Thank you and Allah Hafiz.